अर्थात बच्चों ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पाठ पढ़ रहे थे चार त्योहारों का देश, उसका मैंने एक आपको गद्यांश पढ़ा दिया था, उसके मैंने आपको शब्दार्थ भी करवाए थे, तो वो आपने किताब में कर लिए होंगे। अब मैं उस शब्द जो गद्यांश जो मैंने आपको पढ़ाया था उसका मैं एक बार दोहरण करूंगी वापस से। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल के रखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे जैसे मैं उसको पढ़ूंगी तो आपकी जो अंगुली है वो उस लाइन के ऊपर ही होनी चाहिए जिससे कि आपको उस गद्यांश का अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो अब आपने किताब निकाल ली होगी, साथ में पेंसिल भी निकाल ली होगी, और कल जो शब्दार्थ करवाए थे वो लिखे हुए होंगे उसके ऊपर। तो हम अब इसकी रीडिंग करते हैं। खुलस रहा माटी का कंकण, उमड़ रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है, घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। मैंने आपको ये पढ़ाया था, साथ में हिंदी अर्थ भी बताया था। हुलस मानी प्रसन्न होना, माटी मानी मिट्टी, कणकण टुकड़ा। अब मैं इसका एक बार हिंदी अनुवाद भी कर देती हूँ। भारत देश की मिट्टी का कणकण प्रसन्नता से भरा हुआ है, यहाँ रस की धारा आनंद की धारा बहती है, हमारा देश त्योहारों का देश है, हमें इससे बहुत प्यार है। सावन आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है और महिलाएं वर्षा ऋतु के गीत गाती है। कौन से गीत गाती है? मल्हार के गीत गाती है और झूला झूलती है, और यहाँ रक्षाबंधन के त्योहार पे बहन बहुत खुश होती है, भाई बड़े प्रेम से इस त्योहार को मनाते हैं, हमारा देश त्योहारों का देश, हमें अपने देश से बहुत ही प्यार है। तो हमने ये पढ़ा था पूरा, उसके हमने शब्दार्थ भी कर लिए थे। अब इसी गद्यांश का जो मैंने आपको ये पढ़ाया ना, सॉरी पद्यांश, उसी के मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, इसी पद्यांश के मैं आपको क्वेश्चन आंसर प्रश्न नंबर एक जो मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ाया था उसी के मैं प्रश्न उत्तर आपसे पूछूंगी। प्रसन्नता से क्या भरा हुआ है? क्या भरा हुआ है प्रसन्नता से? प्रसन्नता से मैंने पहली लाइन पढ़ी थी, प्रसन्नता से क्या भरा हुआ है? भारत देश की मिट्टी का कणकण प्रसन्नता से भरा हुआ है, पढ़ी थी ना पहले, हुलस रहा माटी का कणकण पढ़ा था ना, हुलस का मानी प्रसन्न होना, तो भारत देश की माटी का कणकण क्या है? वो प्रसन्नता से भरा हुआ है। भारत की मिट्टी का
अकाउंट प्रसन्नता से भरा हुआ है। भारत की मिट्टी का कण कण प्रसन्नता से भरा हुआ है। हो गया हमारा पहला प्रश्न। इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी में भी लाइन खींचनी है। प्रश्न नंबर दो, प्रश्न नंबर दो, त्योहारों का देश कौन सा है? आपको ये पाठ्यांश में नहीं पढ़ाया था ना? कौन सा है? त्योहारों का देश कौन सा है? इसका उत्तर तो बहुत इजी है। भारत देश त्योहारों का देश है। भारत देश त्योहारों का देश है। प्रश्न नंबर तीन, सावन में भाई बहन का सावन में भाई बहन का कौन सा त्योहार मनाते हैं? सावन में भाई बहन का कौन सा त्योहार मनाते हैं? कौन सा त्योहार मनाते हैं? सावन में भाई बहन का रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। D
ये आपको उत्तर आ भी रहे होंगे, आ रहे ना सबको ये उत्तर, बहुत इजी है ये। भाई बहन, रक्षाबंधन, का त्योहार मनाते हैं। गए हमारे प्रश्न तीन, तीनों ही आपको अच्छे से आ रहे होंगे। प्रसन्नता, शब्द का विलोम लिखिए, विलोम लिखिए, तो अगर हमसे पूछा जाता प्रसन्न तो हम कर देते हैं अप्रसन्न। हमसे पूछा गया प्रसन्नता तो हम इसका क्या करेंगे, अप्रसन्नता। जैसा पूछा जाता है प्रश्न हमें उसी प्रकार से हम उत्तर देते हैं। अप्रसन्नता, प्रसन्नता शब्द का विलोम लिखिए अप्रसन्नता। ये हमने चार प्रश्न इस पद्यांश के कर लिए हैं। आप लोगों को ये चारों अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है। अब मैं इनकी एक बार रीडिंग कर देती हूँ और आप लोग ध्यान से सुनेंगे। प्रसन्नता से क्या भरा हुआ है, क्या भरा हुआ था, भारत की मिट्टी का कण कण प्रसन्नता से भरा हुआ है। त्योहारों का देश कौन सा है, हमने वो पद्यांश पढ़ा था, उसमें मैंने आपको जब उसकी रीडिंग करवाई थी तो मैंने आपको बताया था ना कि हमारे देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे कि हर महीने त्योहार मनाए जाते हैं, हर महीने एक त्योहार आता है, हमारे यहाँ पर आता है ना, तो इसमें आएगा भारत देश त्योहारों का देश है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, इसमें सावन में भाई बहन का कौन सा त्योहार मनाते हैं। अभी अभी आपने सावन का महीना गया है तो इसमें भाई बहन का कौन सा त्योहार मनाया था, अपन ने सबको बताया इसका भी, फिर भी हम इसका उत्तर कर देते हैं तो वो प्रश्न में से ही ले लेंगे लाइन। सावन में भाई बहन का रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, ये मनाते ना अपन, सावन में भाई बहन की रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। प्रसन्नता शब्द का विलोम लिखिए, आपको प्रसन्नता शब्द का क्या बताना है, इसका उल्टा अर्थ बताना है, तो हम इसका उल्टा अर्थ क्या लिखेंगे, अगर हमसे पूछा जाता प्रसन्न तो हम लिख देते अप्रसन्न। अब हमने ता से पूछा गया, इसके पीछे प्रत्यय लगा हुआ है तो हम इसका उत्तर भी ता में देंगे अप्रसन्नता, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका विलोम हो गया अप्रसन्नता। धन्यवाद।